लंदन से सिंगापुर जा रही एक फ्लाइट में टर्बुलेंस आया। ये इतना भयानक था जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। सुबह का वक्त था, प्लेन में नाश्ता परोसा जा रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस का ये प्लेन थाईलैंड के एयर स्पेस से होकर गुजर रहा था। अचानक ये प्लेन 6,000 फीट की डुबकी लेते हुए 31,000 फीट पर आ गया। जो यात्री अपनी सीटों पर थे वो प्लेन की छत से टकरा गए। खाना परोसने वाली टेबल कई जगह कई लोगों से टकराई। ब्रेकफास्ट दे रहे फ्लाइट अटेंडेंट बुरी तरह घायल हो गए। ऑक्सीजन मास्क और पंखों के पैनल टूटकर नीचे लटक गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। कोई खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था तो कोई दर्द से कराह रहा था। एक शख्स की मौत भी हो गई। जब प्लेन काबू में आया तो अंदर का नज़ारा देखकर पायलट भी हैरान थे। पूरे प्लेन में तबाही सा मंजर था। प्लेन की थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और 30 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि यह हादसा हुआ कैसे। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा टर्बुलेंस भी समझना पड़ेगा। हम समझाते हैं। अगर आपने हवाई जहाज़ में सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि जब प्लेन हवा में होता है तो कभी कभी तेज़ भूकंप जैसे झटके लगते हैं। ऐसा लगता है मानो आप किसी प्लेन में नहीं बल्कि किसी गड्ढों से भरी सड़क पर बस का सफ़र कर रहे हों। इन्हीं झटकों को टर्बुलेंस कहते हैं। ये एयर फ्लो यानी हवा के बहाव और प्रेशर में अचानक आए बदलाव की वजह से होता है। इसे हवाई जहाज का दुश्मन भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लेन के उड़ने में रुकावट पैदा करता है। प्लेन ना चाहते हुए भी हवा के इस बहाव के साथ बहने लगता है जिसकी वजह से ऊपर नीचे होता है। और आसान भाषा में समझाएं तो आप पानी पर एक कागज़ की नाव बनाकर तैराइए। जब पानी का बहाव तेज होगा तो वो नाव गोते खाने लगेगी, यानी पानी की लहरों के साथ वो भी ऊपर नीचे होगी। ऐसा ही कुछ प्लेन के साथ होता है हवा में। हालांकि ये टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी तेज़ भी हो सकते हैं। जब हवा में एयर पॉकेट बन जाता है यानी एक साथ काफ़ी हवा जो है इकट्ठी हो जाए तो उसे एयर पॉकेट कहते हैं। यही हुआ सिंगापुर एयरलाइंस की इस फ्लाइट के साथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। हवा में बनी एयर पॉकेट में ये प्लेन फंस गया और फिर उसी हवा के बहाव में 6,000 फीट नीचे आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टर्बुलेंस प्लेन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसका जवाब है बेहद खतरनाक। यानी अगर टर्बुलेंस ज़्यादा तेज हो तो ये पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में ले सकता है और इसे सबसे बुरा सपना ही कहें कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। नज़र डालते हैं उन हादसों पर जो टर्बुलेंस की वजह से हुए हैं। पहला हादसा बताते हैं 1957 में एरोलिनियास अर्जेंटीनास फ्लाइट 670 ड्यूनस एयर्स से जा रही थी ये बारिलोस। इस फ्लाइट में सभी 61 लोगों की मौत हो गई जो उसमें सवार थे। 1987 एरोफ्लोट फ्लाइट है ये U505 टास्कन से शाहरी शब्द जा रही थी ये फ्लाइट। इसमें टर्बुलेंस आया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। 1994 में US एयर फ्लाइट 427 शिकागो से पिट्सबर्ग जा रही थी, इसमें भी फ्लाइट में मौजूद सभी 132 लोगों की टर्बुलेंस की वजह से मौत हो गई। 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट न्यूयॉर्क से डोमिनिक रिपब्लिक जा रही थी, इसमें भी जितने लोग प्लेन में मौजूद थे 260 लोग, इन सभी की मौत हो गई। 2008 में लियरजेट 45 फ्लाइट, प्राइवेट फ्लाइट है ये, सेंट लुइस पोटोसी से मेक्सिको सिटी जा रही थी, इसमें भी 9 लोगों की मौत हुई। लौटते हैं सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ। इस हादसे में 73 साल के एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हुई है। हालांकि बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के मैनेजर के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। वे अपनी पत्नी के साथ सफ़र कर रहे थे। उनकी पत्नी फ़िलहाल बैंकॉक के अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे में कई लोगों को सिर में चोट आई है। इस हादसे पर BBC से बात करते हुए एक यात्री एंड्रू डेविस ने बताया कि मेरे पूरे शरीर पर कॉफ़ी थी। विमान के गिरने के कुछ सेकंड के दौरान भयानक चीख पुकार मच गई और उसकी आवाज़ एक धमाके जैसी थी। वहीं एक और यात्री जाफरान अजमीर ने BBC से ही बात करते हुए बताया, अचानक विमान ऊपर की ओर झुकने लगा और कंपन होने लगा, इसलिए मैंने जो कुछ हो रहा है उसके लिए पहले से तैयारी कर ली, सीट बेल्ट लगा ली और अचानक प्लेन नीचे गिरने लगा। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वे सीधा छत से जा टकराए। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम दीपेंद्र है, कैमरे के पीछे मन है। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।